तो आज सुबह ही देखिए डोला खोलना शुरू कर दिया है ऊपरले वाला। देखिए मामा जी के गन लग चुके हैं। तीन दिन हो गए था, मामा चार तीन दिन हो गए। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे हो और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का समय हो चला है और देखिए मामा जी ने आज कितना कार्य बता दिया है। डोला खोल दिया है, ये बन गई हमारी अलमारी। ऊपर जो है तीन खाने हो गए, बीच में दो खाने हो गए और नीचे भी तीन खाने हो गए और ऊपर टांड हो गया। ये देखिए कैसे कितने सामान रख लो इसमें, कपड़े लगते जितना मर्जी उतना। और ये डोला खुल चुका है, ये बड़े फटते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आए हो क्या आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह का बज रहा है 9:30, झाड़ू भी मार दिया, कपड़ों की दाल बना दिया, सामान भी फेंक दी यहाँ पर रखे अंदर। तो एक दे तुम कपड़ों की दाएँ, कल ना मैंने जो परसों धोए थे कपड़े इनकी दाएँ नहीं बनाई, फिर कल मेरा टाइम नहीं था। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ परांठे आलू के। रात की सब्जी रखी थी तो मैंने सोचा कि लाओ परांठे बना ले, तो आटे में डाल के तो वेस्ट कुक करनी। तो इधर मैंने चाय रख दिया बनने के लिए, दूध भी डाल दिया है। ये काली अंटी लेकर के जिसकी बराबर वाली, तो यहाँ पर लगा दिया है, वो लगा रहे हैं गर्म दिया अट्टे। तो आज अट्टे चल जाएंगे 12 दिन बाद के इनको छानना भी शुरू कर दिया है। ये भर दिया तसला, इसको गेर बना है उसमें जड़ने में। रिश्ता आपने देखिए यूज फुल कर दिया इसको, तो उसको यूज करेंगे भैया। और जो इसका खराब था मलवा वो निकल चुका है, मिट्टी नहीं है इसमें, सिर्फ रेत है कि हाँ मिट्टी का मतलब है ही नहीं, मिट्टी यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। तो हम मज़े साफ़ कर रहे हैं इसको और फिर से छान देंगे, वो फिर से प्लास्टर हो जाएगा इन स्लेपों पर। ये हमारी अलमारी देख सकते हैं आप, नीचे तीन खन्ने, बीच में दो खन्ने, ऊपर तीन खन्ने, उससे ऊपर टांड। लो जी फाइनल हो गया रे तुम्हारा, तो लास्ट आए बिल्कुल छान दिया अंदर से, लास्ट दिया अंदर से। और रेडी हूँ ऑफिस में जाने के लिए। ठीक है, वो इधर पूजा यह कपड़े धो रही है होली वाले, और कुछ नए कपड़े जो होली पे पहने थे, क्योंकि कल तो बृहस्पतिवार था, आज शुक्रवार है, तो इसलिए पूजा आज धो रहे शुक्रवार वाले दिन। चलो जी चलते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी। नमस्ते जी, क्या खा रहे हैं? नमकीन खा रही मैं, खट्टे मीठे खा रही यही और इसके बाद आइसक्रीम कोन वाले। ठीक है, खट्टी मीठी है। क्या गोला भाई, क्या गोला ये गोले वाले अच्छे से कर रहे काम को, चला ड्यूटी पे। ओ भाई दादा लागो अपना दिए दा, अभी दिन बाद आई है गिलहरी, पानी पी रही थी। ये रे पता नहीं सो तो मैंने साफ कर दिया, नहीं बर्तन साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, बस पोछा रह गया गैस पे, सलेब पे बंदी हुई पड़ी है। देखिए
जब चाय बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो गंदी तो हो जाती है स्लेब भी और गैस भी। तो मैं सोच रही हूँ पहले झाड़ू लगा देती हूँ बारह, इसके बाद मैं करती आई रसोई साफ। रसोई में बस स्लेब पर गैस ही रह रही है। देखिए मैंने मशीन में डाल दिया है धोने के लिए। सिर्फ कल नहीं धोए थे, परसों नहीं धोए थे, जुलैंड वाले दिन से नहीं धोए थे, फिर टाइम नहीं था। घर घेर में जाए थे उस दिन, हम शाम के टाइम आए थे तो टाइम नहीं लगा। मैंने सोचा पहले भी ऐसे धो देती हूँ, जो रोज डेली के मैं जो रंग के है ना, जिसमें रंग खिले थे, तो वे मैंने एक तरफ रख दिए यहाँ पर नीचे ही। इधर तो कर दिया मैंने साफ सफाई, अंदर भी कर दिया है, कपड़ों की तैयारी बना दिया है, साफ सफाई। बस पोछा रह रहा है, पोछा ले आना है बाद में, पहले झाड़ू ले आती है, कपड़े निकालती हूँ एक पेड़ा दो जे। देखिए ने क्या सफला रखा है काम, कितनी भी सफाई कर लो यहाँ से ये इस पे चढ़ जाती है बल्लियों पे। अरे सीढ़ी भी देखिए पलट दिया इसने, यहाँ पर बंदरों को देखती है ना तो सारी चीज़ें देखे। कपड़े भी जो मुंह में आता है वही फाड़ देती है। देखिए चुन्नी चन्नी से पुरानी चादरें भी फाड़ के डाल रखी है। देखिए क्या काम फैला रखा है इन्हें ऊपर ऊपर ना, इतने सफाई कर देते हैं बहुत ज़्यादा। इधर मैंने कपड़े भी फैला दिया है थोड़े से, इधर चादरें धोई थी ये भी फैला दिया है, तो थोड़े से रह रहे हैं बस, जो कलर के हैं ना वे रह रहे हैं, यानी सारे धो दिए है। जो डेली के में पहने के होते हैं तो यहाँ का ना कल की साफ करूँ, ये तो धूप से आ रही है, ये चलती हूँ मैं नीचे थोड़े से कपड़े लाने हैं अभी। तो सुबह ना मैंने आलू के परांठे बनाए थे, जो आलू की सब्जी रखी थी ना आलू टमाटर की, तो इसके परांठे बनाए थे। ये बनाए हैं थोड़े से पीले चावल, कपड़े मैंने धो दिए। अब देखिए सारा काम निपटा दिया है मैंने, झाड़ू बर्तन भी पोछा भी कपड़े लत्ते सब धो दिए है। अभी नहा धो के बैठी हूँ खाना खाने के लिए। मैंने बनाए थोड़े से पीले चावल, आप भी खा लीजिए पीले चावल। देखिए तो रोटी को भी खाना खिला दिया है मैंने, सबने खाना खा लिया है। शाम का समय जो चला है, चाय किसी रखी अम्मा? अच्छा तो देखिए मम्मा जी ने प्लास्टर कर दिया है अलमारी पे, ठीक हो गया मालिक आए, एकदम फिट हो गई अलमारी हमारी। बन गए बॉक्स, तीन ऊपर दो बीच में और तीन नीचे, बढ़िया बन गए है मामा। और मसाला बन गया फिर तुम्हारा, ये काम देखो जा क्या काम कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं ना कह रहे बॉक्स से, देख देख कैसे लेट गई जो मट्टी में हो रही है, पूरा ध्यान रखा है। वही नहीं खड़ी ऊपर नीचे जूतन का हाथ कर दी, हट जा। तो मैं आई हूं पेरेंट्स किचन में, मुझे काटने हैं टमाटर और प्याज। आज बना रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर, तो ये ले लिया टमाटर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने ना प्याज भी काट दिया है, इधर शिमला मिर्च है, यहाँ पर टमाटर है, तो काट दिया सामान, बस पनीर रह रहा है, पनीर काट देती हूँ। इसके बाद मैंने फ्राई करूँ पहले घी में, पहले पनीर को फ्राई करने है, फिर तीनों को मिला के जब फ्राई कर देती हूँ तो पनीर निकाल देती हूँ मैं। पनीर रखा है यहाँ पर, ये रखा है पनीर, फ्रिज में रख देता, थाली में निकालते मैंने। देख देखिए इनको पीस बना लिया है, ये कट कर देते हैं बीच बीच में से। देखिए इनके छोटे छोटे पीस बना दिए ये वाले, इनके भी बना देते हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं पनीर भी काट दिया मैंने, इनमें ना नमक और मिर्च मिला के फ्राई कर देते हूँ पहले घी में। ये डाल देती हूँ कढ़ाई में, डाल देती हूँ पनीर।
थोड़ा सा लाल करने के लिए रख दिया पनीर मैंने। मेरी डालते हैं सारी चीजें। प्याज डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल दिया, इन्हें फ्राई कर देना एक थाली में जुटा दी। इसके बाद देखिए फ्राई कर दिया मैंने इसे अच्छी तरह से, लाल हो चुकी है हमारी थोड़ी थोड़ी सी, तो उसे उतार देती हूँ। गैस बंद कर दिया मैंने। दो एक डाल देती हूँ उसमें लाल मिर्ची साबुत्ती वाली, थोड़ा डाल देती हूँ नींबू, डाल देती हूँ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची डाल देती हूँ, डालने मसाले। देखिए मैंने छौंक दिया, मसाले भी डाल दिया इसमें, तो उसमें ना हल्का सा पानी डाल के ना इन्हें ना कर देती हूँ ऐसे भी कच्चे से। ऐसा मैं ये देखिए जी पनीर पूरे ने छोंक दिया है। सबसे पहले शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज इनको भूनने के बाद इनको फिर छोंक दिया है, छोंक लगा दिया इसमें। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो आज कढ़ाई पनीर बोल रही थी पूजा क्योंकि आज कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो मैं 1 किलो पनीर लाया था तो आधी किलो पहले बना लिया, आधी किलो आज बना रहे हैं। मैंने सब्जी छोंक के ना थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के ना इसे ढक के रख दिया कि जिस करके वो अच्छी तरह भुन सके। तो सब्जी मैंने छोंक दिया है, पनीर डालने आया बाद में। देखिए पनीर में मैंने फ्राई कर दिया है घी में, देसी घी में पनीर रख देती हूँ, इतना आटा छान देती हूँ। इसके साथ ना कढ़ाई पनीर के साथ बनाऊँगी आज पूड़ियाँ। पूजा ने कढ़ी पनीर बनाया आज, तो पनीर ये रखा, घी में भूनना है इसको, और ये भूनने हैं शिमला मिर्च, टमाटर है, प्याज है। तो जब बड़ी दाल गल जाएंगे उसके बाद हम पनीर डाल लेंगे इसमें। सच्ची है क्यों अच्छी लगे? अच्छा जी, 2-3 दिन तक पूरी नहीं खा रही। ऊपर की अलमारी में सारे में प्लास्टर हो चुका है देखिए, और बीच वाली में हो गया। अब आ चुका है नीचे का नंबर, किधर लग रही मुझे प्लास्टर करने के लिए, इसमें हो गया प्लास्टर। हाँ अच्छी लग रही। कितने सामान रख लो इसमें, कपड़े लगते रजाई ऊपर आ जाएगी सारी, नीचे कपड़े, इसमें कोट पैंट आ जाकर बीच वाले में कहीं तक कहीं जाएगा। सब्जी बन के हो चुकी है हमारी तैयार। मैंने इसमें गरम मसाला, हरा धनिया भी डाल दिया है, तो इसे रिता के रख देती हूँ। कढ़ाई साफ करके ना पूरी बनानी है, तो आटा भी मैंने बना दिया है। देखिए देखिए फुले फुले पूरियाँ, आप भी आ जाइए खा लीजिए खाना, कढ़ाई पनीर और पूरियाँ। देखिए यहाँ पर बना दे,
पूरी बनने आ जाएगी हमारी और सब्जी बन चुकी है इसमें सब्जी कढ़ाई पनीर वाई वाह बहुत जी आ गई। यह कढ़ाई पनीर हमारा बन चुका है। देखिए कितना अच्छा बना दिया मुझे रसीली तरीदार टॉप लग रहा है एक नंबर का देखने में और खाने में भी अच्छा लगेगा। मतलब भी स्वाद खुशबू अलग ही है इसकी। तो मैं ले लेता हूँ, मैंने प्याज काट लिए है, दही ले लिए है और अब सब्जी लूँगा।